हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, फारसी अरबी यानी कि अबू रेहान, पिता का नाम अहमद अल बरूनी एवं अल बरेनी, एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ एवं विचारक था। अल बरेनी की रचनाएँ अरबी भाषा में है। उसे अपनी मातृभाषा फारसी के अलावा तीन और भाषाओं का ज्ञान था, सीरियाई, संस्कृत, यूनानी। वो भारत और श्रीलंका की यात्रा पर 1017 से 20 के मध्य आया था। गजनी के महमूद, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, कई अभियानों में वो सुल्तान के साथ था। अल बरेनी को भारतीय इतिहास का पहला जनक कहा जाता था। प्रारंभ में अल बरेनी ख्वारिज्म के ममूनी शासक का मंत्री था, क्योंकि शासक उसकी विद्वता से प्रभावित था। इनका जन्म 1973 में होता है, मौत 1050 में होता है। अब्बासी शासन के पतनामुख दिनों में उसका जन्म ख्वारिज्म में सन 1973 में हुआ था। यह स्थान वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। उसने गणित और खगोल विज्ञान अब नस में मंसूर से सीखी। वो अवेसिना के साथी थे। अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया की यात्रा पर वो मोहम्मद गजनवी के साथ उसके काफिले में गया। भारत में रहते हुए उसने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और 1030 में किताब उल हिंद नामक किताब लिखी। उसकी मृत्यु गजनी अफगानिस्तान में कहा जाता है, बल्कि फारस हिस्सा कहते थे। यह कई विषयों का ज्ञाता था। अल बरूनी चिकित्सा विशेषज्ञ था और भाषाओं पर भी अच्छा अधिकार रखता था। इसके साथ ही वह एक मशहूर गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, कवि, रसायन विज्ञान और दार्शनिक भी था। उन्होंने ही धरती की त्रिज्या नापने का एक आसान सूत्र दिया था। अल बरूनी ने साबित किया था कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। इस ग्रंथ में 80 उपाध्याय हैं। इस पुस्तक में वर्णित बातें धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोलिक विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो ये थी मोहम्मद अल बरूनी से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।